जबलपुर लोकसभा जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए कहा है कि चुनावी शोरगुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बुधवार 17 अप्रैल के शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभाएं आयोजित नहीं कर सकेंगे और न ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउडस्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जुलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही किसी तरह की सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेंगे अथवा संबोधित कर सकेंगे। चलचित्र यंत्र, टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र का उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामलों का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। 20 तारीख को चुनाव है, 17 तारीख की शाम को 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इसके बाद 48 घंटे का जो समय है, उस 48 घंटे के समय में चुनाव में आचार संहिता का पालन हो, पूरी निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन की जो तैयारियां मुस्तैद हैं, हमारी सारी टीमें जो हैं, सेक्टर मोबाइल हैं, पुलिस सेक्टर मोबाइल हैं, SST हैं, VST हैं, FST हैं, ये लगातार भ्रमण करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि 48 घंटों में किसी भी तरह का कोई आचार संहिता के उल्लंघन के मामले ना आए। इसके साथ साथ 18 तारीख की सुबह 6 बजे है मतदान दल सुरक्षा बलों के साथ जो है मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे, उसकी हमारी पूरी तैयारी हो गई, मतदान सामग्री की तैयारी हो गई, ट्रेनिंग का काम कंप्लीट हो गया है हमारा। EDC का जो काम है वो हमने कल शाम को जो है क्लोज कर दिया है। लगभग 10,000 लोगों के आसपास EDC जारी हो गए हैं। पोस्टर बैलेट जो अन्य जिलों से आना थे वो हमने पोस्टर बैलेट डलवा दिए। यहाँ के लोग जो अन्य जिलों में मतदाता हैं उससे संबंधित भी कार्रवाई हो गई है। मैं सभी जिले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मतदान केंद्र पर आएँ। मतदान केंद्र पर हमने अच्छी सुविधाएँ की हैं, गर्मी में ध्यान रखते हुए छाया की व्यवस्था की है, पानी वगैरह की व्यवस्था की है। आप आएँ, वोट डालें, परिवार के साथ आएँ। केवल दो बातों पर मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा नागरिकों से, एक अपना फोटो ID अवश्य साथ में लेके आएँ और मोबाइल को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी पोलिंग बूथ के अंदर, बाहर रखने की व्यवस्था रहेगी। हो सके तो मोबाइल ना लेके आएँ, यदि लेके आते हैं तो गेट के बाहर उसको रख के फिर वोट डालने जाएँ। 19 तारीख के चुनाव में सभी लोग मिलकर जबलपुर में एक हिस्ट्री कायम करें पोलिंग परसेंटेज की, ऐसे में कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।